प्रधान बैठे हैं, ये रोटरी इंटरनेशनल के अहम पदाधिकारी है, पास्ट गवर्नर भी रहे, और बाकी जो लोग जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, आप जानते हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है, और मेरे इधर डॉक्टर तलत है जो हमारे श्री ताहिर भी जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में अफसर है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद आपको लगा होगा कोई दूसरी से न्यूज ब्रेक करने के लिए होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती है जो खुसूसन तौर पर आपके सामने रखने की जरूरत है, उसी के चलते आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। डॉक्टर राजीव प्रधान जी इंटरनेशनल रोटरी के पास्ट गवर्नर रहे और अभी भी अहम ओहदे पर है। इन्होंने यहाँ कश्मीर के चार जिलों में पिछले तकरीबन 8 दिनों से हेल्थ कैंप चलाया है। ये नॉर्मल हेल्थ कैंप नहीं है, मेगा हेल्थ कैंप हम इसको कह सकते हैं। नॉर्मली कोई अगर हेल्थ कैंप शुरू होता है तो एक दिन का रहता है और ऑन स्पॉट कुछ माइनर प्रोसीजर्स करते हैं, माइनर ऑपरेशंस किए जाते हैं, मेजर ऑपरेशंस नहीं होते हैं, और इवन जो है वो एक दिन से ज्यादा चलता भी नहीं। इसमें कुछ एक ऑपरेशंस हमने किए हैं, उसके लिए वो कंसर्न डॉक्टर बाद में भी आने वाले हैं, क्योंकि कुछ एक प्रोसीजर्स रहती है जैसे प्लास्टिक सर्जरी रहती है या दूसरी रहती है, उनमें फिर से उस पेशेंट्स को देखने के लिए फिर से उस पर प्रोसीजर्स करने के लिए डॉक्टर को आना होता है, डेट देनी होती है, तो वो डॉक्टर भी आने वाले हैं। गांधरबल में 2 ऑपरेशन थिएटर्स, बारामुल्ला में 4, सोपोर में 4, और कुपवाड़ा में 3 ऑपरेशन थिएटर, तकरीबन 14 से 15 कुल मिलाकर के ऑपरेशन थिएटर एक हफ्ते से काम कर रहे हैं। सुबह 8 या 8:30 बजे ये शुरू होते हैं और शाम को 7:30 बजे तक चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया है, लेकिन हमने सोचा कि आज जो बहुत ही बेहतरीन काम रोटरी इंटरनेशनल और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है, आपके सामने जो है उनको थोड़ा सा मैं राजीव प्रधान जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ब्रीफ में आपको रोटरी इंटरनेशनल के बारे में बताएं इन जनरल, और साथ में ये जो कैंप उन्होंने किया, और आगे भी जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हिदायत है, उनकी जो रिक्वेस्ट है रोटरी के लिए कि साउथ कश्मीर में भी ऐसा ही एक मेगा हेल्थ कैंप करे आने वाले दिनों में, इससे रिलेटेड भी उनके कोई प्लान्स थे तो उस पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्रूफ निकाले। शुक्रिया। रोटरी इंटरनेशनल एक जैसा नाम बताती है, रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आज की तारीख में 184 देशों में काम करती है, और ये रोटरी क्लब आप बोलते हैं वो एक एक जगह के क्लब रहते हैं, जैसे कश्मीर है श्रीनगर में 2 क्लब है, वैसे हर जगह क्लब है, और कुछ ना कुछ तो अच्छा काम करने के लिए सारे लोगों के लिए करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती रहती है। सबसे बड़ा काम जो रोटरी इंटरनेशनल ने किया है जो है हर सरकार के साथ पोलियो इरेडिकेशन का जो काम किया था उसमें रोटरी की अहम भूमिका रही है। आज भी रोटरी इंटरनेशनल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो एरिया है जहाँ पोलियो अभी भी है सिर्फ 2 देशों में है, वहाँ रोटरी इंटरनेशनल काम कर रही है। रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से आज ये कैंप हो गया है, इसके लिए एक्चुअली मैं पहले तो इसके थोड़ा सा बताऊं कि हम लोग पिछले 20 साल से बहुत सारा काम ये मेडिकल कैंप अफ्रीका में कर रहे हैं। आज तक 46 टाइम हम अफ्रीका जा चुके हैं और अफ्रीका में काम करते रहे, उनकी जो नीड्स है उनकी गरीबी आप देखोगे तो लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, कितनी गरीबी वहाँ है, तो वहाँ हमने करीबन 1.5 लाख ऑपरेशन फ्री किए हैं आज तक, और जिसकी वैल्यू से अगर करें तो 150 करोड़ से ज्यादा
रकम उसमें हमने दे दी उन लोगों को। ऐसा हो गया कि हमने उधमपुर में कैंप रखा था और वहाँ पुलिस का डिप्टी कमिश्नर थे और उनकी उस समय मुझे मेरी मुलाकात हुई, वो प्रोजेक्ट अच्छा हो गया, वो उनकी उनकी ट्रांसफर महाराष्ट्र में हुई और लातूर जिले में हुई, जब जबकि उस टाइम उधर इतना सूखा था कि पानी भी ट्रेन से ला रहे थे वो लोग, हर रोज ट्रेन से ला रहे थे। तो उन्होंने उस टाइम मुझे और एक बार रिक्वेस्ट की उसके लिए मैं कुछ कर सकते हैं, तो उधर भी हमने एक कैंप किया उदगीर में। और अब जब वो यहाँ डिविजन कमिश्नर हो क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कर रहे हैं, पहले तो करना चाहिए था लेकिन कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। आज वो एक कैंप बहुत सक्सेसफुल हुआ है, हमारे रोटरी के महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा, थोड़े से दो तीन लोग गुजरात से, दो तीन लोग पंजाब से आए, बहुत सारी टीम बाकी तो टीम महाराष्ट्र से आए। उन्होंने आज 2120 कल रात की फिगर है ऑपरेशन किया है, बहुत सारे मेजर ऑपरेशन किए हैं जो जो यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है, लेकिन जो बैकलॉग है, सारा बैकलॉग जो पड़ा था वो जल्दी से जल्दी आगे आगे बढ़ गया अभी, और भी पेशेंट है। कमिश्नर साहब ने 2 जून तक ये कैंप बढ़ाया है और वो लोकल लोग जो उतने ही कॉम्पिटेंट है वो काम कर रहे हैं। ये गवर्नर साहब ने रिक्वेस्ट की कि भी साउथ कश्मीर में भी ये कैंप लिया जाएगा, तो ऐसी तरह का कैंप हम सितंबर में साउथ गुजरात में साउथ कश्मीर में भी ले लेंगे और वहाँ अभी डेट भी फिक्स करेंगे थोड़े दिन में। यहाँ जो हमें हमारी जो कमियाँ है वो हम अभी सुधर देंगे। हर जगह का एक्सपीरियंस अलग अलग आता है, कितना भी मैंने कहा कि मैंने 50 कैंप लिए फिर भी कुछ ना कुछ तो नया हर टाइम सीखता हूँ, तो उसी तरह आज थोड़ा सा जो कमियाँ थी वो सुधार के वहाँ काम करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट ये भी हम सोच रहे हैं कि जैसे जयपुर फूड का कैंप और उसके सिवाय एक बहुत अच्छा एक एलन फोर नाम का आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल हैंड रहता है, एलन फोर बोलते हैं, अमेरिका से आता है और वो हैंड इतना आसान है लगाने के लिए, उसका मेजरमेंट लेना नहीं पड़ता है और 200-300 लोगों का हैंड एक दिन में लगा सकते हैं और वो हैंड के साथ में वो काम कर सकता है, जैसे पेन से लिख सकता है, कुछ ग्लास हटा सकता है, सभी काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कैंप है, वो भी कैंप हम अगस्त में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो हमारे अभी के प्रोजेक्ट कश्मीर के लिए है और मैं इस समय ये कहना चाहता हूँ कि ये सब हो सकता है सिर्फ और सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद की वजह से। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHS और डॉक्टर तलत मैडम, इन्होंने ये तो पिछले 6 महीने से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी मदद की है। यहाँ के जो डॉक्टर लोकल डॉक्टर्स हैं, लोकल नर्सिंग स्टाफ है, लोकल एक्चुअली वॉर्डबॉय जैसे लोग हैं, सभी ने इसमें काम किया है। ये एक दो आदमी का काम नहीं है, इतना बड़ा काम करने के लिए सारी के सारी टीम करनी काम करनी पड़ती है, लेकिन ये टीम वर्क बहुत ही अच्छा काम हो गया। आज कैंप खत्म हो रहा है, हमारे लोग आज आ रहे हैं तो मुझे फोटो आ रहा है कि सब मिलके फोटो निकाल रहे हैं, थिएटर स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर लोग सभी मिलके, तो आज इसका और अच्छा काम हो गया। जैसे वहाँ के आए हुए डॉक्टर और यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का स्टाफ के एक बॉन्डिंग बन गया, फ्रेंडशिप बन गई, बहुत बड़ा काम इसे मैं समझता हूँ हो गया। और इससे इसी तरह अगर जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो एक दूसरे के साथ में और काम करके ये करने, ये हमारा ये ऐसा कहना है कि लोगों की सेहत अच्छी है तो कुछ सब कुछ हो जाता है, जब तक सेहत अच्छी है तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है, तो सेहत का काम हम अच्छी तरह से और भी करेंगे। ये आपको मैं आपको ये प्रॉमिस देता हूँ कि ये रोटरी और गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ये काम करते ही रहे। सर सर पहले मैं ये कहना चाहूंगा प्रधान जी का और आपका, सर अगर आप इस पे नहीं होते तो ये काम कभी नहीं होता।
यूकॉम साहब ने बताया कहा कि यहाँ में खड़ा काम कर रहे हैं जो लास्ट ईयर हमने डिसीजन किया था, तो फिर उसके बाद ये सारा कोविड की वजह से जो डिस्टर्बन हो गई। और जो एक अच्छी बात इसमें ये थी कि पिछले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो हमारे कुछ ऐसे ऑपरेशन रह गए थे, जो हमारा बैकलॉग रह गया था, कुछ हमने नए रजिस्ट्रेशन करी और उसमें से 2000 से ज्यादा केसेस हो गए। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इनके, और आएगा जो रिक्वेस्ट किया है साधने रिकॉर्ड सर ने, इनको बोला है कि और भी आएंगे और भी काम ये यहाँ साउथ कश्मीर में करेंगे। बाकी यही मेरा कहना है कि हमारा और आपका हम बहुत ही शुक्रगुजार है। हमने सर के जो डायरेक्शन है कि उसको कंटिन्यू रखे, जितने भी हमने रजिस्टर केसेस किए हैं, और इंशाल्लाह विद इन अ वीक्स टाइम और 10 डेज वो हम कंप्लीट कर देंगे। बाकी थैंक यू। इस पर मैं उस पर भी आ जाऊंगा, ऐसे नहीं कि नहीं आ जाऊंगा, पहले इस पर आप कर देंगे तो क्या होता है, क्या रहता है। मैंने पहले शुरुआत में कहा था नॉर्मली जो है कुछ एक चीजें रहती है जो बतानी जरूरी होती है। हम मीडिया के भाई जो है उस पर उतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितनी की देनी चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में खुसूसन तौर पर बताऊं।